स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चंस आपका ब्लड के कंपोजिशन से रिलेटेड है, देखते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन इज क्रिएटेड इन द लीवर एंड इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड। इफ अ वायल ऑफ ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स वुड एल्ब्यूमिन बी फाउंड। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये जानते हैं कि जब हम होल ब्लड को आपका कलेक्ट करके लेके आएंगे, तो जब उसको लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप बोलते हो वहाँ पर लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। इस तरह से आपका एक कंपोनेंट आपको डिसाइड होता है। यहाँ पर आप देखो, ये आपका वाटरी सबस्टांस ऑफ द ब्लड, जिसको आप बोलते हो क्या, प्लाज्मा की लेयर बनेगी। उसके बाद क्योंकि आप जानते हो 99% अगर सेल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो 99% तो RBC ही है, तो उसका एक अपना फ्रैक्शन डिफाइंड होता है। और इन दोनों लेयर के बीच में आपको एक बहुत माइनर सी लेयर दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, बफी कोट। और बफी कोट पर जो सेल्स होंगी वो व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया एल्ब्यूमिन आपको इन लेयर में कहां मिलेगा। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, तो उसकी प्रेजेंस कहां होगी, आपका इस प्लाज्मा वाले कंपोनेंट पर ही तो आएगा वो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स वुड एल्ब्यूमिन बी फाउंड। तो एल्ब्यूमिन आपको कहां मिलने वाला है, प्लाज्मा लेयर पर मिलेगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा, प्लाज्मा लेयर। ठीक है, मूव करते हैं आगे। तो ये लेयर्स पर आपको क्लियरिटी है, यहां पर प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन सब आ जाएंगे। बफी कोट में आपको व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलने वाली है, और जो लास्ट रेड कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर आपकी सारी आरबीसीज क्या होंगी, सेटल्ड होंगी। सेम इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। लिखा हुआ, डॉक्टर इज स्टडिंग ब्लड्स कलेक्टेड फ्रॉम अ सिक पेशेंट, सी सेंट्रीफ्यूजेस, वही क्वेश्चन आ गया, सेंट्रीफ्यूजेस द ब्लड सैंपल टू सेपरेट द हीमेटोक्रिट द बफी कोट एंड द प्लाज्मा, इन विच लेयर इज सी मोस्ट लाइकली टू फाइंड मोस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स। इम्यून सिस्टम सेल्स मतलब WBC की बात कर रहा है, और WBC प्लस प्लेटलेट्स की जो लेयर है वो क्या कहला रही थी, बफी कोट। देख लो आप, बफी कोट, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स आपको कहाँ मिलने वाली, ओनली इन द बफी कोट। तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ओनली इन द बफी कोट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, कैल्शियम रेगुलेशन के रिस्पेक्ट पर एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है, हाउ डू हॉर्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायराइड रेगुलेट द कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। बहुत आसान सा क्वेश्चन, दोनों आपको पता है कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले दो हॉर्मोन्स जो अपोजिट इफेक्ट देते हैं, एक आपका क्या है, आप देख लो क्या होने वाला है, थायराइड और पैराथायराइड के रिस्पेक्ट में बात की गई है। चेक करते हैं, कैल्सीटोनिन लोअर्स ब्लड कैल्शियम, पैराथायराइड हॉर्मोन रेजेस ब्लड कैल्शियम। भाई अगर आप देखो तो कैल्सीटोनिन एंड आपका पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम रेगुलेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों का इफेक्ट जस्ट अपोजिट होता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या काम करता है, ब्लड पर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, डाउन करता है। तो PTH क्या करता है, जस्ट अपोजिट, PTH करेगा आपका इंक्रीज कैल्शियम ब्लड लेवल। तो आप ऑप्शन देख लो, आई थिंक ऑप्शन पहला ही नजर आ रहा है, कैल्सीटोनिन लोअर्स ब्लड कैल्शियम, पैराथायराइड हार्मोन रेजेस ब्लड कैल्शियम। अगले में उल्टा लिखा गया है, देख लो आप। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। कार्डियक आउटपुट पर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, कार्डियक आउटपुट कैसे निकलता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको इस क्वेश्चन पर आपको यूज करना है। आप एक और क्वेश्चन रीड कर लो।
क्वेश्चन पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपको, वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पर आपको एक हर्ट रेट दिया हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन दिया हुआ है, मैं यहां लिख रहा हूं इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.4। और इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि कितना टोटल वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम आपका बाहर गया है, और जो टोटल वॉल्यूम फिलअप होता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन बाहर जा रहा है एक बीट पर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ये इजेक्शन फ्रैक्शन बनेगा। ऐसी आपको एक और फॉर्मूला यहां से पता है, एक और वैल्यू दी गई है आपको, एक हार्ट रेट दे दिया गया है और आपको एक कार्डियक आउटपुट। इन दोनों पर भी एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं उसको, वो रिलेशन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों चीजें दी गई हैं आपको। कार्डियक आउटपुट गिवन है, हार्ट रेट गिवन है, यहां से हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर मिल जाएगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पेशेंट्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आपसे पूछ रहा है ईडीवी। तो आप देखो, आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन है, आपके के पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, तो आप ईडीवी क्या करते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए पहले हमको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, तो इक्वेशन यूज करें जरा। कार्डियक आउटपुट आपको दिया गया है कितना, चेक कर लेते हैं, 3.5 लीटर पर मिनट। तो मैं इसको यहां यूज कर ले रहा हूं। हमको निकालना क्या है, हमको यहां से स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाई हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट आपको दिया गया 3.5 लीटर पर मिनट, मैं उसको ml में लिख दे रहा हूं, 3500 ml पर मिनट, ये आपको दिया गया है। डिवाइड बाई अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट आपको कितना दिया गया है, हार्ट रेट आप चेक कर लो, 95 बीट्स पर मिनट, 95 बीट्स पर मिनट ये हमको दिया गया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखो, तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.8 ml, ये आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया है। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है, इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करके यहां से क्या कर सकते हो, ईडीवी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाई इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा, चेक करो जरा एक बार। स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास आ चुका है कितना, 36.8 डिवाइड बाई इजेक्शन फ्रैक्शन आपको दिया गया है कितना, ये ml था, ये इजेक्शन फ्रैक्शन 0.4। तो 36.8 ml डिवाइड बाई 0.4 जो आपका आंसर आएगा समथिंग अराउंड, आप इसको जब चेक करोगे तो ये आपका 92 ml आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो जो ऑप्शन है वो आपका ये रहा। सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको लगाने थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द पेनक्रियाज विच आर द सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दैट सीक्रेट एमाइलिन। एमाइलिन भाई हम ये जानते हैं कि यहां से अगर आप देखो जो बीटा सेल्स होती हैं, देखना ऑप्शन सी और डी सेम ही हो गए, अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको लिख सकते हो, एक को आप डेल्टा सेल्स, अल्फा बीटा, कोई एफ सेल्स कर दो, ठीक है। अगर आप बीटा सेल्स का सीक्रेशन देखोगे तो बीटा सेल्स आप बोलोगे क्या क्या रिलीज कर रही है, इंसुलिन, मैक्सिमम अमाउंट यहां से इंसुलिन आ रहा है और आपका कुछ अमाउंट यहां से एमाइलिन भी आता है। दोनों के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो मैक्सिमम इंसुलिन और लिटिल बिट आपका एमाइलिन आएगा, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, बीटा सेल्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी।
यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ द प्रेगनेंसी, चेक करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेसेंटा आंसर करेंगे, प्लेसेंटा आंसर नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि अभी आपका प्लेसेंटा बनने में टाइम लगता है, प्लेसेंटा आपका समथिंग अराउंड 2 months के बाद ही बनेगा। उससे पहले प्रोजेस्टेरोन कहां से आ रहा है? फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो परसिस्ट कर रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हम ये जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, परसिस्ट करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा तो वही सोर्स बनेगा किसका, जनरली प्रोजेस्टेरोन और लिटिल बिट एस्ट्रोजन का। तो यहां पर क्योंकि फर्स्ट 2 months की बात कर रहा है, और अगर फर्स्ट 2 months की बात कर रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, इसका आंसर कॉर्पस ल्यूटियम आएगा। और अगर यही लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करता तो लास्ट ट्राइमेस्टर इसका मतलब प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है, तो उस टाइम पर जो सोर्स होगा प्रोजेस्टेरोन का वो क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जो टाइम पीरियड दिया जाता है, ये टाइम पीरियड क्या दिया गया है, इस बेसिस पर आपका आंसर स्विच करेगा किस पर, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्लेसेंटा पर, वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज यूज इन द गैंग्लिया ऑफ द बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम प्री गैंग्लियोनिक चेन और पोस्ट गैंग्लियोनिक चेन की बात करते हैं, जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक चेन का जो डिवीजन देखते हैं, किस तरह से दोनों चेन आपके एक दूसरे से डिफरेंस क्रिएट करती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, न्यूरोट्रांसमीटर इज यूज्ड इन द गैंग्लिया ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको एक बार, अगर आप सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक चेन को देखोगे तो आप देखते हो प्री गैंग्लियोनिक जो है सिंपैथेटिक एंड पोस्ट पैरासिंपैथेटिक पाथवे में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो कॉलिनर्जिक होते हैं। क्यों कॉलिनर्जिक होते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो, आपको पता है कि यहां पर आप एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, इसीलिए आप बोलते हो वो क्या है, कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन जब आप पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे आओगे तो सिंपैथेटिक में आप देखो क्या आता है, नॉरएपिनेफ्रिन, और जो पैरासिंपैथेटिक में है वो है आपका क्या, एसिटाइल कोलिन। तो अगर आप दोनों में देखो तो कॉमन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन आपका क्या है, कॉमन है। वही तो क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। ऑफ द बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर कौन सा है, कॉमन, वो आपका आंसर बनेगा एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपको, आई होप हो गया होगा। मूव कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्ट सेल इन द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सिंपल, हम देखते हैं कि जब आपका सपोर्टिंग सेल्स की बात करते हैं तो वहां आपको पीएनएस और सीएनएस पर अलग अलग नाम रिप्रेजेंट करने होते हैं। आप देख लो, जैसे स्वान सेल्स आपको पता है माइलिन शीथ बनाने में है, माइक्रोग्लिया आपको पता ये क्या है, आपका फैगोसाइटिक सेल है, एस्ट्रोसाइट्स आपका ब्लड ब्रेन बैरियर पर रोल प्ले करेगा, एपेंडाइमल सेल्स आपका क्या है, सिंपल आपका सीएसएफ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरली आपको सिंपल हर एक सेल के फंक्शन याद करने हैं, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो एपेंडाइमल सेल्स आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन रीड करेंगे और लास्ट लाइन को पकड़ेंगे। लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स वाइटल कैपेसिटी, वीसी की बात कर रहा है। वाइटल कैपेसिटी याद करो, हमने लंग्स कैपेसिटी में अलग अलग कैपेसिटीज डिफाइन की हैं, उन्हीं कैपेसिटी में एक वाइटल कैपेसिटी भी है। कैसे डिफाइंड होगी, आप या तो डेफिनेशन याद कर लो या फिर आपका सिंपल आपका क्या, उसका इक्वेशन याद कर लो। अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो आप बोलते हो यही तो मैक्सिमम आपका, अगर आप फुली इन्फ्लेटेड लंग्स की बात करोगे तो फुली इन्फ्लेटेड लंग्स से आपका मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो एयर ऑफ वॉल्यूम को, वही तो आपका
वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो फुली इन्फ्लेटेड लंग्स, दैट मीन्स हमने टाइडल वॉल्यूम लिया और उसके बाद हमने IRV लिया, ये है आपका क्या, फुली इन्फ्लेटेड लंग्स। तो जब आप फुली इन्फ्लेटेड लंग से मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो, तो ये तो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और IRV तो बाहर होगा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन में ERV भी तो काउंट हो जाएगा। दैट मीन्स द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, यही तो आंसर होगा। क्योंकि पहले आप अपने लंग्स को इन्फ्लेट करोगे, तो टाइडल वॉल्यूम फुली इन्फ्लेट, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV गया, और फिर आपका पूरी तरह से आपका फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना है, तो ये दोनों वॉल्यूम जाएंगे, और लास्ट में जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो तो क्या हो जाता है, ERV हो जाता है। तो इसलिए तीनों का सम क्या कहलाएगा आपका, VC कहलाएगा। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम TV, ERV एंड IRV, ये मैंने रीड कर दिया, लास्ट लाइन आई थिंक दिख नहीं रही है, नेक्स्ट रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी सीन इन अ पेशेंट विथ लीवर फेलियर। लीवर फेलियर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, या आपने ऐसे बोला था कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो जनरली कौन बना रहा है, वो जनरली बना रहा है आपका लीवर, या हमने एक पॉइंट ऐसे लिखा था, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिंस वो लीवर बनाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर लीवर फेलियर है तो आप बोलोगे लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बनेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। भाई अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो यूरिया साइकिल भी तो अफेक्ट होगी, यूरिया साइकिल अफेक्ट होगी तो यूरिया का लेवल हाई ना होके क्या होगा, कम होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, हाई कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। लो कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया इन द ब्लड, और लास्ट में लिखा हुआ है लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड। लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, भाई लीवर फेलियर है इसका मतलब है यूरिया साइकिल नहीं ऑपरेट होगी, यूरिया साइकिल ऑपरेट नहीं होगी तो अमोनिया का लेवल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना कि कम। तो जो ऑप्शन है वो फोर्थ आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ग्राफ बिलो शोइंग प्लाज्मा हार्मोन लेवल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओवुलेशन टेक प्लेस एट विच ऑफ द लेटर्ड पॉइंट्स ऑन द टाइम एक्सिस, ABCD और लास्ट में ई भी है। ग्राफ देखो आप, जनरली हमने पढ़ा है कि ओवुलेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ओवुलेशन के लिए LH सर्ज रिक्वायर्ड है। इस ग्राफ में देखो LH का सर्ज किस पॉइंट पर दिख रहा है आपको, वही आंसर होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक LH सर्ज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और LH सर्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द ओवुलेशन। तो ऑप्शन देखो आप, फिगर को देखो कहां LH सर्ज नजर आ रहा है, ये रहा LH। तो इसका मतलब है इसी LH सर्ज जहां पर होगा उसी पॉइंट पर आपको ओवुलेशन देखने को मिलेगा। तो दैट मींस अगर आप यहां मिलाओगे तो आंसर क्या बनने वाला है, सी मिलने वाला है, तो आंसर सी बनेगा। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को थॉरली रीड कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं। तो आप अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज्ञानबिंदु का यूट्यूब चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।